मायापुर में जो महाप्रभु की लीला प्रकटित हुई, ये श्रेष्ठतम उनकी लीला है। पुरी में जो उनकी लीला है वो मध्यम कोटि की है, और दक्षिण देश में प्रचार करने की जो लीला है ये तीसरे नंबर। हम लोग कह सकते हैं इसमें कि राधा भाव का आस्वादन उन्होंने पुरी में बैठ करके किया, इसलिए इसी को श्रेष्ठ मान लिया जाए। कहते नहीं, क्यों? इसलिए कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के प्रति लोगों का गौरव कैसा था, सभी लोग साष्टांग प्रणाम कर उनका ऐश्वर्य देख करके उनकी विचार बुद्धि, विशेष करके सार्वभौम भट्टाचार्य को जो उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया, ये सब जो लीलाएं हैं ये ऐश्वर्यपूर्ण, साधारण आदमी के लिए नहीं, इसलिए ये मध्यम कोटि की हुई। और नवदीप में जो लीलाएं हुई, छोटी छोटी किशोरियों के साथ में छेड़खानी करना, पंडितों पर कुल्ली फेंक देना, केशव काश्मीरी को परास्त कर देना, ये सब जो लीलाएं हैं ये मधुर लीलाएं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल।